नेचर द्वारा बनाई गई ऐसी कई संरचनाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। ये संरचनाएं इतना अनोखा है कि इसके आगे दुनिया के सभी आर्किटेक्ट नतमस्तक हो जाते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे अनोखे और अद्वितीय जगहों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं अबाउट इनकम्पेरेबल प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। नंबर 10, डोर टू हेल। डोर टू हेल जिसे गेट्स ऑफ हेल या दरवाजा गैस क्रेटर या फिर ऑफिशियली द साइनिंग ऑफ कराकुम नाम से भी जाना जाता है, यह एक जलता हुआ प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यह गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के विशाल रेगिस्तान कराकुम में दरवाजा के समीप स्थित है। डोर टू हेल ऑलमोस्ट 53 सालों से यूं ही जलता आ रहा है। इसके जलने के पीछे कारण यह है कि इसमें से मीथेन गैस निकलती है जिसे हमेशा जलाए रखती है। यह क्रेटर 69 मीटर चौड़ा और 98 फीट गहरा है। दरअसल इसका निर्माण ऐसे हुआ कि 1971 में सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट गैस के खोज के लिए यहाँ आए थे। खोज के दौरान ही यहाँ का जमीन धस गया और यहाँ से मीथेन गैस रिलीज करने लगा। इस कारण वैज्ञानिक इसमें आग लगा दिया और तब से लेकर आज तक ये यूं ही जलता आ रहा है। नंबर 9, स्पॉटेड लेक। यह लेक कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया में यूएस बॉर्डर के समीप स्थित है। यह एक ऐसा झील है जिसके अंदर सैकड़ों झील मौजूद है। इस झील में कई खनिज पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट और टाइटेनियम। इन खनिजों के कारण जब गर्मियों में झील का पानी सूख जाता है तो अलग अलग रंगों के स्पॉट्स दिखने लगता है। झील के अंदर स्पॉट्स बनने का वजह यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गोला बारूद बनाने के लिए खनिज एकत्र करने के लिए झील को खोदा गया था। बरसात के दिनों जब लेक भर जाता है फिर भी इस लेक के ऊपर से स्पॉट्स साफ साफ दिखता है और जब लेक का पानी सूख जाता है तब तो इसका दृश्य और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। नंबर 8, पमुकले। इस प्लेस को अपने गूगल या अन्य प्लेटफॉर्म पर जरूर देखे होंगे। पमुकले तुर्की के डिनिजली प्रोविंस में स्थित है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि टोटल 17 हॉट वाटर स्विमिंग पूल है और इन सभी पूल्स में पानी पमुकले की पहाड़ियों से रिस-रिस कर झरने के रूप में गिरता है। इस कारण इसे पमुकले हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। इस जगह का सबसे जो रहस्यमय बातें हैं वो ये है कि इसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बस कल्पना की जाती है कि यह जगह एक प्राकृतिक संरचना है। इस पूल में कई खनिज भी मौजूद है। एक शोध के मुताबिक ये खनिज बाहरी संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ के पानी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और जब यहाँ सभी पूल पानी से भर जाता है तो यह दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगने लगता है। नंबर 7, मार्बल केव्स। मार्बल केव बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत है। यह गुफा चिली और अर्जेंटीना के बीच एक बड़े झील में स्थित है। मार्बल की यह गुफा एक भूबुरिया की तरह है जिसमें पानी इतना साफ है कि पानी के नीचे की चीजें साफ साफ नजर आती है और जब नीला पानी चमकती हुई गुफा से टकराता है तो जो नजारा दिखने को मिलता है वो और भी ज्यादा खूबसूरत होता है। इस गुफा को मार्बल कैथेड्रल भी कहा जाता है। यह गुफा 6000 साल पुरानी है। संगमरमर से बनी ये गुफा वाकई लुभावना और दिल छू लेने वाला है जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी ही रहती है। नंबर 6, मेनपुपुनर रॉक फॉर्मेशन। रूस के यूराल पहाड़ों में बसी सेवन ह्यूज रॉक फॉर्मेशन बेहद ही आश्चर्यजनक है। ये विशाल खम्भों वाली चट्टाने 200 मिलियन वर्ष पुरानी है और इसकी ऊंचाई लगभग 98 से लेकर 138 फीट है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि इतनी सलीम और इतने ऊंचे ऊंचे रॉक्स का निर्माण कैसे हुआ होगा और ये कैसे खड़ी है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि 200 मिलियन साल पहले इस स्थान पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते थे जो बारिश, बर्फ, हवा, ठंड और गर्मी के कारण धीरे धीरे खम्भों का रूप ले लिया। मेनपुपुनर रॉक को रूस के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यहाँ टोटल 7 पिलर्स है और ये पिलर्स विंटर के समय बर्फ से ढकने पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। नंबर 5, स्टोन फॉरेस्ट। वैसे तो आपने कई दफा पेड़ों के फॉरेस्ट देखे होंगे लेकिन चेन्नई में एक ऐसे भी फॉरेस्ट है जो पेड़ों के नहीं बल्कि सैकड़ों फीट ऊंचे ऊंचे पत्थरों की है। यह स्टोन फॉरेस्ट चेन्नई की यूनान प्रोविंस में स्थित है। पत्थरों का यह पूरा जंगल कुल 350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल की अधिकांशतः रॉक्स की हेट 140 फीट के आसपास है और ये स्टोन फॉरेस्ट
270 मिलियन वर्ष ओल्ड बताए जाते हैं। चाइना का यह स्टोन फॉरेस्ट हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि यह जंगल प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है जो भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित हुआ है। माना जाता है यह 2670 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला समुद्र हुआ करता था, जो 270 मिलियन साल पहले पानी, हवा और भूकंपीय गतिविधि के कारण इस शेप में आ गया। नंबर 4, फिंगल्स केव। फिंगल की यह गुफा स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर दूर स्टाफा के रॉक आइलैंड पर स्थित है और समुद्र में स्थित यह गुफा दिखने में काफी आकर्षक लगती है। इस गुफा में जो चट्टाने हैं वे बिल्कुल सीधी है और इस केव का निर्माण ऐसे हुआ कि 60 मिलियन ईयर्स पूर्व ज्वालामुखी से निकली लावा के समुद्र में फ्लो करने से और लावा के ठंडा होने से हुआ है। इस वजह से इस केव का शेप और बनावट बेहद ही यूनिक है। इसका बनावट ऐसे है मानो जैसे कोई आर्किटेक्ट इसे बनाया हो और दिखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। इस गुफा को उवमबिन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है राग या लय की गुफा। नंबर 3, लेना पिलर्स। रशिया के पूर्वी साइबेरिया में लेना नदी के किनारे लगभग 40 किलोमीटर में खड़ी हुई सैकड़ों मीटर ऊंचे ऊंचे रॉक्स है, जिसे लेना पिलर्स कहा जाता है। लेना पिलर्स एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 2012 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ये पिलर्स लेना नदी के दाहिने साइड में लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है और इस चट्टानों की खम्भों की ऊंचाई 150 से 300 मीटर यानी 490 से 980 फीट है। इस जगह का पूरा नाम लेना पिलर्स नेचर रॉक है। नंबर 2, एंटीलोप कैनियन। यह यूनिक सा दिखने वाला संरचना अमेरिका के एरिजोना में उत्तर से सटे हुए हैं। यहाँ पर दो एंटीलोप कैनियन है, एक अपर एंटीलोप कैनियन और दूसरा लोअर एंटीलोप कैनियन। ये दोनों कैनियन बिल्कुल सेम ही है। एंटीलोप कैनियन का बनावट वेव की तरह है और इसका निर्माण लाखों साल तक पानी बहने के कारण हुआ है। एंटीलोप कैनियन अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में सबसे अधिक देखे जाने वाला स्पॉट कैनियन है। इसका उम्र लगभग 8 से 60 मिलियन साल है। यहाँ पर अपर एंटीलोप कैनियन 200 मीटर लंबा और लोअर एंटीलोप कैनियन 407 मीटर लंबा है। वह इन दोनों कैनियन की ऊंचाई अप्रोक्स 120 फीट है। नंबर 1, झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क। चाइना के हुनान प्रोविंस में स्थित यह प्लेस काफी ज्यादा फेमस है। झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क कल्पनाओं में आने वाला स्वर्ग की तरह दिखता है। यहाँ पर 3100 से ज्यादा पतले पतले और ऊंचे ऊंचे रॉक्स की पिलर्स है, जो लगभग 200 से 300 मीटर ऊंचे ऊंचे हैं। चाइना का यह पूरा नेशनल पार्क 11,900 एकड़ में फैला हुआ है। इसी जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर लिफ्ट है, जो टोटल 326 मीटर ऊंचा लिफ्ट है। ये वही जगह है जिसे अवतार मूवी में ग्राफिक्स की मदद से दिखाया गया है। दैट्स व्हाई इसे अवतार माउंटेन भी कहा जाता है। यह चीन का पहला फॉरेस्ट पार्क है और इस अमेजिंग जगह को 1992 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। झांगजियाजी माउंटेन के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण करोड़ों साल पहले पृथ्वी की सतह में जोरदार मूवमेंट के कारण हुआ होगा, और यह सच भी लगता है क्योंकि पृथ्वी के क्रस्ट में मूवमेंट होने से कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, ये थी दुनिया के 10 अमेजिंग सी दिखने वाला और रोमांचक जगह। दुनिया में ऐसा ही बहुत से अमेजिंग और स्ट्रेंज जगह है। सो यदि आप इसी तरह और भी स्ट्रेंज प्लेस के बारे में जानने को इच्छुक है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।